नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम आपको बताना चाहेंगे खुशियां हैं, हर कोई कोशिश कर रहा है किस तरह से इन खुशियों को दोगुना किया जाए। वहीं दूसरी तरफ विभाग भी इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। इस समय हम बताना चाहेंगे स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से यहां पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी का क्या महत्व है, क्या मोटिव है कि जो लोकल यहाँ के आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को आप तक लाना, इनके हुनर को आप तक लाना। तो इस समय हम आपको बता रहे हैं यहाँ के, देखिए ये हमारी परंपरा, पुरानी प्राचीन परंपरा है कि मिट्टी के दीपक, मिट्टी के दिए, मिट्टी के मटके जो त्यौहारों में इस्तेमाल होते हैं। हाल ही में गया करवा चौथ, उसमें भी इस तरह के जो मटके थे, प्यारे प्यारे दीपक थे, इसे यानी इस्तेमाल किया जाता। पर कहीं ना कहीं हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी परंपरा को, वो चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। पर इस तरह की चीज़ें जो हमें कहीं ना कहीं रिफ्रेश करती हैं हमारी मेमोरीज़ को कि प्राचीन हमारे जब नाना दादा का समय था तो इन दीपकों से क्या लाभ होते हैं वो आपको भी बताएं। मिट्टी के दीपक जो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि लोग यहाँ के आर्टिस्ट को भी यानी कि खूबसूरती और आर्टिस्ट को भी मौका मिला अपनी प्रदर्शनी। और देखिए यहाँ कैंडल्स बनाई गई हैं और देखिए बड़े खूबसूरत तरीके से इस प्रदर्शनी को यहाँ पे लगाया गया और स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इन लोकल कलाकारों को, इनके काम को यहाँ पर सराहते हुए लोगों तक लाने का भी प्रयास किया। आप देखिए यहाँ पर पहले दिखाएंगे फिर इनसे बात भी करेंगे। और देखिए यहाँ पर सूट्स भी हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत सूट्स हैं, जो महिला हमेशा आकर्षण रहती है और हैंडमेड है। देखिए ये गरम सूट है, गरम स्टफ है और देखिए ये इस पर एम्ब्रॉयडरी, इनसे बात भी करेंगे। पहले आपको दिखा लें, पहले आप ये नज़ारा देख लीजिए, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। देखिए बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें जो आपको आकर्षण करेंगी, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, किसी को गिफ्ट देने के लिए, किसी को अपना प्यार देने के लिए, और बड़ा ही प्यारी चीज़ें हैंडमेड है सारी। सबसे बड़ी बात है कि हैंडमेड चीज़ें हैं। और आगे भी देखिए बताएंगे आपको, और बताएंगे आपको बड़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखिए ये दिए जो कि गोवर्धन सामग्री से बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं, और बड़े ही ये, इससे ना ही कोई नुकसान होता है, इवन के पॉजिटिविटी आती है। इनसे बात भी करके आपको बताएंगे, पहले दिखा लेंगे यहाँ का जो, इस समय हम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट में और यहाँ के हमारे लोकल कलाकारों, देखिए टैलेंट जो है उसे यहाँ मौका मिला है, उस टैलेंट को लोगों तक, आप जनता तक लाने का। और बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें देखिए, आप देखते हैं लकी माना जाता है, इसे घर में शुभ माना जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं हमारे लोकल जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं या लोकल हमारे जो युवा हैं उन्हें कहीं मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रदर्शनियाँ लगनी भी चाहिए ताकि उनका टैलेंट आप तक पहुँचे। तो चलिए बात भी करते हैं, पहले आर्टिस्ट से बात करते हैं फिर मैम से भी बात करेंगे। पहले इनसे बात करते हैं, यहाँ पर जो ये आपकी है, ये सुनिए जरा, आपका ये क्या नाम है आपका? गुंजन भगत। गुंजन कहाँ से आए हो? उधर। कितना समय मिलता है इसको प्रिंट करने, कितना टाइम लगता है एक दिए को? एक दिए को 10 से 15 मिनट जी हाँ। फिर बाजार में मार्केट में भी कितना एक उत्साह है आपके अंदर इस तरह? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम जो काम करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। 3 साल से हम ये काम कर रहे हैं, हमारी मैम है सुषमा देवी, जो हमारा सेंटर है उधर हम काम करते हैं, सीखते भी हैं प्लस करते भी हैं तो और बेचते भी हैं सामान। आज आपको मौका मिला दिवाली के अवसर पर जी डिपार्टमेंट की जी 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 मैम, क्या कहोगे दिवाली पे जनता? अच्छा ही है सब, ओके ही है, ये लोग दिए खरीदे आप जी जी हाँ। चलिए भाई इस साइड आते हैं, इस प्रदर्शनी को भी देखते हैं, बड़े खूबसूरत ये देखिए, ये अलग अलग तरह की जो गिफ्ट हैं यहाँ पर लेने के लिए भी लोग आए हैं, ये देख लिए प्यारे प्यारे से। क्या नाम है मैम आपका? रावी। कहाँ से आए? तालाब तिलो। तालाब तिलो से खुद आपने सारा बनाया? हाँ जी हाँ जी। सुंदर सुंदर से गिफ्ट हैं ये, हैंडमेड है सारे? हाँ जी सब हैंडमेड, सभी हैंडमेड है। तो यहाँ पर आज आपकी प्रदर्शनी है कि कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो स्टार्ट किया, अभी देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है। आई होप रिस्पांस अच्छा रहे, पोस्ट दिवाली भी अच्छा रहे और प्री दिवाली अभी सभी परचेज अच्छा हो। आपने खुद बनाया है? हाँ जी सब कुछ खुद बनाया है। ये देखिए बड़े सुंदर सुंदर सी चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी, और ये मेहनत सामने दिख रही है। चलिए ये मैम भी यहाँ पर आए, इनसे भी जानते हैं। गोल्डन है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीलोफर शुजात है, मैं न्यू प्लाट से हूँ और रजिस्टर्ड आर्टिजन हूँ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम में। यहाँ जो यहाँ पर सेल के लिए लगा है, क्यों कौन कौन सा कपड़ा है, क्या इसमें खासियत है? इसमें मैम जॉर्जेट है, रफल है, वेलवेट है, सिल्क है, सारा कुछ है, वुलन में है,
ठंडा है, गर्म है, सब कुछ है। ये स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट में आज हमें इनवाइट किया है इधर अपना सामान डिस्प्ले करने के लिए। कितनी खुशी है, दिवाली का मौका भी है और आपको एक मौका भी मिला अपने टैलेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है हमें, तो दिवाली का मौका है। हमें भी खुशी है कि हमारे जो हुनर है वो उभर के आता है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें और मिलने चाहिए। जैसे फेस्टिवल सीजन्स होते हैं तो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस डिपार्टमेंट के जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया हुआ है। मैम आप ही खरीदने आए? नहीं, मैं तो यहाँ की एम्प्लॉई हूँ, तो आई एम असिस्टेंट कमिश्नर। ओके मैम, तो आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम मनप्रीत है। चलिए मनप्रीत जी, आपको पहले सबसे पहले तो दिवाली की बधाई हो। थैंक यू सो मच, आप सबको की दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। दिवाली खुशियां बांटने से और बढ़ती हैं, और आज हमारे महकमे ने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि बड़ा नोबल, छोटा सा मेला नहीं जैसा। हाँ बिल्कुल, एक नोबल सा इनिशिएटिव लिया है। थोड़ा हम और भी बुलाना चाहते थे लोकल आर्टिजन्स को, लेकिन समय की कमी की वजह से हम जो भी कर पाए हैं, तो ये है लोकल आर्टिजन्स का जो हुनर है वो उभर के आए, और अगर हम इसको इनकरेज कर सकते हैं वो हम इनकरेज कर सकते हैं मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के साथ, तो इससे बड़ी दिवाली गिफ्ट क्या हो सकता है। अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में क्या लगता है आगे आने वाले दिवाली त्योहारों की इस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इससे हमारी अपनी जो लोकल इकोनॉमी है, हमारी देश की इकोनॉमी वो बढ़ेगी, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और बिल्कुल, ये जितने आत्मनिर्भर होंगे उतनी इकोनॉमी हमारे देश की बढ़ेगी और ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो हम इंटरनेशनल इकोनॉमी पर अपनी नजरें रखते हैं कि अगर वो नीचे होती है तो हमारी इकोनॉमी भी ऑटोमेटिकली, अगर हम खुद इतने सेल्फ रिलायंट हो गए तो हमें इन बाहर की इकोनॉमी पे नहीं करना पड़ेगा, और हमें बड़ा अच्छा लगा। और इसके लिए हमें लोकल आर्टिजन विश्वकर्मा योजना जो हाल ही में प्रधानमंत्री साहब ने अभी लॉन्च की है सितंबर में, तो हमने एक वो सोचा कि हम क्यों ना इसको उभारें। बिल्कुल बिल्कुल, एक डिपार्टमेंट का हिस्सा बन के हम क्यों ना इसको उभारें, और लोकल आर्टिजन्स जो हैं ये जितना ये इनकरेज होंगे उतना हमारा अच्छा होगा, उतना सेल्फ रिलायंट हमारे लोग बनेंगे, और जितना सेल्फ रिलायंट होगी इकोनॉमी बढ़ेगी, और मैं एक और चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेशनलिज्म की भावना भी बढ़ती है जितने हम इनको प्रमोट करेंगे। देखो हमारा कल्चरल जो है वो उभर के आता है, तो उससे हमारा इंडिजिनस जो कल्चर है वो भी एग्जिबिट होता है बाहर, तो इससे वेव ऑफ नेशनलिज्म भी बढ़ती है। जनता भी आ सकती है ना खरीदारी के लिए। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी जितनी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लोगों की वो आए, इनकरेज करें आर्टिजन्स को, और क्योंकि इनकी इनकी अगर जो जितने इनकरेज होंगे उतनी हमारी इकोनॉमी में भी असर पड़ेगा, और दिवाली का असली गिफ्ट यही होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। ये देखिए बड़े सुंदर सुंदर से गिफ्ट है मैम, ये हैंडमेड है। यस मैम। नाम क्या मैम? मेरा नाम ज्योति नरगोत्र है। ज्योति जी आए हैं। मैं शास्त्री नगर से हूँ और मैं एक सीनियर आर्टिस्ट हूँ। और मैम आज हमें स्टेट टैक्सेशन ऑफिस वालों ने हमें इनवाइट किया है, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि आज सारे खुद बनाए। पहले बताइए। सब हैंडमेड है, बड़े सुंदर सुंदर है मैम। हैंडमेड है मैम, जैसे ये ट्रे बनाई हुई है मैंने गणेश जी की, ये भी हैंडमेड है। ये प्लांटर्स हैंडमेड है, ये वो बनाए हुए हैं, कोस्टर्स बनाए हैं, ये भी हैंडमेड है। तो बाकी ये है कि क्लॉक्स वगैरह बनाई हुई हैं। आज मौका मिला सेल टैक्स? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मौका मिला है हमें यहाँ पे आने का। आज हम अपना जो हम हमारे अंदर जो टैलेंट है वो हमें बताने का मौका मिला है कि हम इतनी मेहनत करके ये चीज़ें बनाते हैं और लोग हमें अप्रिशिएट करें, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है मैम। नहीं मैम, देखने से लग रहा है लोग तो ज़रूर अप्रिशिएट। जनता से क्या कहूँ? जनता से मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ यहाँ पे आइए, अभी दिवाली भी है, कल आज के दिन है, कल भी है, ये आज के दिन ही है खाली, और ये मेरे को लगता है 4-5 बजे तक ही है। तो अगर आप लोग आएँ, ये मेन रोड साइड पे ही है, आप लोग आइए आराम से, यहाँ पे आके अपना कलेक्शन ले सकती हैं आप, और गिफ्ट ले सकते हैं दिवाली के लिए, और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हुई है, हम काफ़ी हार्डवर्क करके ये चीज़ें बनाते हैं मैम। चलिए और भी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ यहाँ पर हैं। ये क्या नाम है मैम? तानिया। अरे ये क्या है, किस चीज़ का बना हुआ ये जो दीपक है? बड़े प्यारे मैम, ये सारे हैंडमेड हैं जी। किस चीज़ से बने हैं? गोबर के बने हैं, काउडंग से। जी। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? कई बार हम कहते हैं ना, फ़ायदे क्या है, इन्वायरमेंट से बचेंगे, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है इस टाइम, इससे जैसे कैंडल्स लाएँ उसका धुआं निकलता है, इससे नहीं होगा, नहीं होगा दीपक अच्छे से, कोई परेशानी नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। जनता से क्या कहूँगी, अच्छे से दिवाली मनाई और हमारे हैंडमेड से। जी चलिए और भी आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे से ये गिफ्ट पैक करने के लिए रैप के लिए, और देखिए प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी चीज़ें हैं यहाँ पर।
क्या नाम आपका? मृदु गुप्ता। मृदु कहाँ से हो? जम्मू से। जम्मू से आज मौका मिला स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आपको यहाँ पर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में अपने हुनर को दिखाने का, कैसा लग रहा है? इट्स अबाउट गुड टू सी ऑल द डेकोस। या तो किस चीज़ खुद बनाया सारे आप? या, या, या। कितने लोगों ने मिलकर बनाया? हमारे हेड ने बनाया, कंबाइन टुगेदर मिलके सबने रेनोवेट कन्वर्ट किया। एक इस गिफ्ट को बनाने में कितना समय लग जाता है? बड़ी प्यारी सी ये प्लेट है। मे बी हाफ एन आवर मैम, 1 वीक लग जाता है एक मटेरियल को बनाने के लिए। हाँ जी, तरीके से अपने हमारे हैंड पेंटेड है, कुछ भी लाइक हमने बाहर से नहीं बनाया, सब हम खुद बनाते हैं। इसका कास्ट क्या रहती है मैम? हम 600 to 700 भी रहती है एस्टे मैम, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर हमारा डिपेंड करते हैं, जिसको जो लेना है। हमारा सेट भी मिलता है और डिफरेंट पीसेस भी मिलती है मैम। इसमें हम कोई भी नट्स मिटाए, हम कुछ भी लाइक करते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लिए। यस मैम, क्ले आर्ट किया हुआ है हमने, इस पर डिको पैच किया हुआ है। एंड मैम क्या कहना चाहोगी जनता से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमारा हमें देखते रहिए और प्लीज़ विजिट करिए। सारा हैंडमेड है, बाहर से कुछ भी नहीं बनाया हुआ है। जितना हो सकता है विजिट करिए और अपने घर के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाया हमने, बहुत ही प्यारा सा, देखिए बड़ी सुंदर सुंदर हैं। दीपक दिवाली पे आप गिफ्ट भी किसे कर सकते हैं, इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको? देखिए हैंडमेड चीज़ें सारी आपको मिल रही हैं। और जो कि हम बैग से हमारी ऑयल डालेंगे तो हमारा यहाँ से हम जो बत्ती भी डाल सकते हैं, इससे कैंडल हैंडल भी बना सकते हैं। पहले ज़माने में जब लालटेन टाइप होता था, वैसे तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैम आपको हम बता भी सकते हैं। चलिए एक देखते हैं यहाँ पर, हम इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। ये आपने क्या डाला है? पानी। अभी के लिए मैम पानी डाल रहे हैं, ऐसे ऑयल डाल रहे हैं एंड उसको रख करना है एंड ये पानी गिरेगा नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या क्या चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है यार, ये तो अलग से लग रहा है। और अगर हमें बत्ती हमें यहाँ से डालनी है और बाद में अगर आप निकाल के दूसरे पे डाल सकते हो, और हम बहुत है बढ़िया, ये तो बड़ी बड़ी प्यारी चीज बनाई है। हाँ जी हाँ जी। इसकी क्या कास्ट रहेगी ताकि जो भी देख रहे हैं वो? मैम सिंगल पीस 200 है, अगर आपको 2 का सेट लेना है तो 400 ईच। देखिए कितनी प्यारी चीज़ बताई है उन्होंने, वाकई स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट ने यहाँ के लोकल आर्टिसंस को यानी मौका दिया है कि वो यहाँ कर अपनी प्रदर्शनियाँ लगाएं और कहीं ना कहीं ये कहेंगे आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हो हमारे ये युवा युवतियाँ। और स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया और आने वाले समय में ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए ताकि जो युवा युवती हैं जिनका टैलेंट कहीं ना कहीं छुपा है और उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया आज स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट ने दिवाली के ओकेजन पर। दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है और आपस में भाईचारे का त्यौहार है। और चलिए मैम, हमारा मैम बड़ा ही अच्छा लगा आपका ये छोटी सी प्रदर्शनी देखिए, बड़ी आकर्षण प्रदर्शनी लग रही है। आपको पहले सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत बधाई और इस इनिशिएटिव के लिए भी आपको बधाई है। थैंक यू सो मच, मैं आप सबको भी बधाई देती हूँ, सबके लिए दीपावली बहुत शुभ हो। और साथ ही साथ मैं ये आपके द्वारा मीडिया के द्वारा जो कि हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हमने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है जिसके अंतर्गत जो लोकल आर्टिसंस स्पेशली यंग गर्ल्स और जितने भी युवा वर्ग आप देखें विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इनको हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि ये आगे आ सके, इनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आके अपनी प्रदर्शनी कर सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम भी है ये, इसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि लोगों को जानकारी हो कि हम अपने लोकल जो है वही मार्केट से हम शॉपिंग करें, ना कि हम इम्पोर्टेड चीज़ें मंगवाएं या फिर अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करके आगे हम जो गिफ्ट जो देते हैं वो इन लोगों से लेके इनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट करें और ताकि और लड़कियां आगे बढ़ चढ़ कर और हिस्सा लें। मैम आने वाले समय में जिस तरह से कोई भी ओकेजन हो, त्यौहार होंगे, इस तरह के उम्मीद करते हैं कि इस तरह की और आर्टिस्ट, क्योंकि जो इस समय हमें देख रहे होंगे ज़रूर उनको भी लगा होगा कि समय तो थोड़ा था कि हमें भी जाना चाहिए, नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो इस तरह के आगे भी इस तरह की प्रदर्शनी रहेगी, ऐसी प्रदर्शनी रहेगी। स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट जो है हमेशा प्रमोट करता है लोकल आर्टिसंस को भी और साथ ही वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी, ताकि जो जितनी भी यंग लड़कियां जो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही और आगे आए हमारे पास यहाँ पे हमारे ऑफिस में आके यहाँ पे प्रदर्शनी होती रहेगी। यहाँ पे जो प्रदर्शनी इसकी कोई शुल्क है या निःशुल्क? आपने निःशुल्क यहाँ पे
अगर पार्टिसिपेशन भागीदारी लेने के लिए यहाँ प्रदर्शन के लिए क्या करना? ऑल आर वेलकम, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। यहाँ पे हम हमेशा जब भी कोई भी हमारा प्रोग्राम होगा आगे से हम मीडिया के द्वारा ये अवेयर करा देंगे, वो यहाँ आके हमारे ऑफिस में आके स्टॉल्स लगा। चलिए मैम, हमारे दैनिक शिव टाइम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टू यू, आप सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं, सबके लिए दिवाली सेफ हो, ग्रीन हो और ब्लेस्ड। थैंक यू। आपको हमने पूरी विजुअल बताया स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट की तरफ से, लगभग 4 से 5 बजे तक आइए प्रदर्शनी है। आप आकर यहाँ कर हैंडमेड चीज़ें और हमारे युवाओं का मनोबल बढ़ा सकते हैं, उन्हें एनकरेजमेंट कर सकते हैं खरीदारी कर और बड़े प्योर तरीके से बनाया। आपने देखा यहाँ के जो अधिकारी थे विभाग के विश्वकर्मा, जो प्रधानमंत्री जी की ओर से काफ़ी सारे इस तरह की चीज़ें यानी कि लाई गई, जहाँ पर महिलाओं को एम्पावर करने के लिए लाडली बेटी स्कीम है और भी अन्य स्कीम्स है जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा बहन बेटियों के लिए सोचा है और यहाँ पर भी उसकी पहल हुई स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। जितनी भी खास करके महिलाएँ घरेलू जो घर में बैठ के छोटे छोटे अपने काम करती जिनमें टैलेंट है, तो मौका दिया है स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने, विभाग ने आज दिवाली के उपलक्ष्य में अपने उन टैलेंट की प्रदर्शनी के लिए, ताकि आपका अनुभव, आपका ये टैलेंट है जनता तक पहुंचे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।